सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सो आज हम करने वाले हैं ACC 124 फरवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर है करंट एंड जनरल अवेयरनेस टेस्ट CJET का। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है विच इंडियन सिटी इज़ कैपिटल ऑफ टू स्टेट। सो उसका करेक्ट आंसर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो कैपिटल है पंजाब एंड हरियाणा की। नेक्स्ट है हमारा पास विच स्टेट नंदा देवी इज़ इन। सो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। ए ऑप्शन में दिया हुआ उत्तराखंड। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। सो यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो वो हैं 28 एंड माफ़ कीजिएगा स्टेट्स हैं हमारे पास 28 एंड यूनियन टेरिटरीज हैं 8। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन इन विच ईयर वाज प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश इन इंडिया। सो ये आया था 1950 में। फादर ऑफ प्लानिंग कमीशन किसे जाना जाता है? वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा इन इंडिया। नर्मदा रिवर इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट रिवर दैट डज नॉट फॉर्म डेल्टा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन। और जो डेल्टा बनाती है वो है इंडस रिवर। लार्जेस्ट रिवर किसे जाना जाता है जो डेल्टा बनाती है? वो है इंडस रिवर। और जो डेल्टा नहीं बनाती है लार्जेस्ट रिवर वो है नर्मदा। ए ऑप्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास दुनकन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन। सो साउथ एंड लिटिल अंडेमान जो है वहाँ पे दुनकन पैसेज लोकेटेड है, जहाँ पे दिया हुआ है ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ द प्लेस ऑफ हाईएस्ट रेनफॉल इंडिया। सो वो है डी ऑप्शन मौसन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विजय गार्ड इज मेमोरियल ऑफ विच नेशनल लीडर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। डी ऑप्शन। और दे आर सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ ओवर इंडिया। इंडिया सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी। नेक्स्ट हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन हाउ मैनी लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 22 मेजर लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन 22। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेंथ क्वेश्चन है हमारा हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हु वॉज दे आर अब्दुल कलाम आज़ाद। मैं ऑप्शन में दिया हुआ है मौलाना आज़ाद, जिन्हें बोला जाता है अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट हमारे पास विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज दैट आर वेटिकन सिटी। और इसका एरिया कितना है? 0.49 स्क्वेयर किलोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास ट्वेल्थ क्वेश्चन हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन नाटो। सो इसका करेक्ट आंसर है 30। 30 मेंबर थे नाटो में, माफ़ कीजिएगा नाटो में 30 मेंबर इसमें मौजूद हैं। दुकम पोर्ट वाज गिवन एक्सेस टू इंडियन नेवी बाय विच कंट्री। इसका करेक्ट आंसर है ओमन। बी ऑप्शन ओमन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्ट अ यूएन पीस कीपिंग मिशन इन इट्स सोइल। करेक्ट ऑप्शन आंसर है सिप्रस। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास डेड सी इज लोकेटेड बिटवीन विच कंट्रीज। द डेड सी इज लोकेटेड बिटवीन द कंट्रीज जॉर्डन एंड इजराइल। बी ऑप्शन में दिया है जॉर्डन एंड इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16 विच कंट्री गिफ्टेड स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू यूएसए। सो वो गिफ्ट किया था फ्रांस ने, हमें दिया हुआ डी ऑप्शन में फ्रांस। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 क्वेश्चन विच इज़ द लार्जेस्ट ओकेन इन द वर्ल्ड। द लार्जेस्ट ओकेन इज़ आर
पैकिफिक ओकेन, बी ऑप्शन में दिया पैकिफिक ओकेन। नेक्स्ट, रीयूनियन आइलैंड बिलोंग्स टू विच कंट्री दैट आर बिलोंग टू फ्रांस, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल, सो उसका करेक्ट आंसर है वेनेजुएला। यहाँ पर जो है 18.2% वर्ल्ड का शेयर देती है ये, सो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दैट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट पार्ट ऑफ G8 ग्रुप ऑफ नेशंस, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, यानी कि सी ऑप्शन। यहाँ पे मिस्टेक दी हुई है, बी ऑप्शन दिया हुआ, यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। 21 क्वेश्चन है हमारे पास, द डिवाइस विच इज़ यूज टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइंस इज कॉल्ड एज, दैट इज कॉल्ड इज मोडम, डी ऑप्शन में दिया मोडम। नेक्स्ट हमारे पास 22 क्वेश्चन, बोस ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय, दैट इज डेवलप्ड बाय इसरो, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी माफ कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 22 क्वेश्चन है हमारे पास, बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय, दैट इज डेवलप्ड बाय सीडेक, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वांटम कंप्यूटिंग यूजेस, दैट इज यूजेस क्यूबिट, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 24th क्वेश्चन हमारे पास, ह्यूमन बींग्स आर रेफर्ड टू एज हेमोसेपियंस, विच डिवाइस इज कॉल्ड एज सिलिकोसेपियंस, करेक्ट ऑप्शन है इसका आंसर है कंप्यूटर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास, ए सेट ऑफ ओवरलैपिंग डिवीजन इन द मेन मेमोरी आर कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड पार्टीशंस, ई ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। 26th क्वेश्चन है हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ, सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 27th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम, ए ऑप्शन में दिया स्पूफिंग, बी में फिशिंग, सी में साइबर स्टॉकिंग और डी में ऑनलाइन गेमिंग। 27th में दिया हुआ ऑनलाइन गेमिंग, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 28th में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू शिफ्ट प्रोसेस सो दे आर कॉन्टिजुअस एंड ऑल फ्री मेमोरी इज इन वन ब्लॉक, इसका करेक्ट आंसर है कॉम्पैक्शन, बी ऑप्शन में दिया हुआ कॉम्पैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास 29th क्वेश्चन, ओरेकल इज ए, ओरेकल क्या है, दैट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट, करेक्ट आंसर है इसका OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। देन 31 क्वेश्चन इज, वर्कर्स इन्वॉल्व्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड डैश कोल्डर वर्कर्स क्वेश्चन मार्क, द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, रेड कोलर वर्कर्स, रेड कोलर वर्कर्स। नेक्स्ट दैट इज गिवन, विच इज द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, लार्जेस्ट ह्यूमन सेल दैट इज ओवम, ओ वी यू एम, दैट इज गिवन इन सी ऑप्शन, सो दैट इज ओवर सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 33 क्वेश्चन इज, नेम द केमिकल यूज टू मेक टूथपेस्ट वाइट, इसका करेक्ट आंसर है 33 क्वेश्चन का टिटानियम ऑक्साइड, दैट्स गिवन इन सी ऑप्शन, सो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू, द एलिमेंट आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, बी ऑप्शन।
35 क्वेश्चनों में दिया हुआ है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स कंटेंट्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर कंटेंट्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट हमें दिया हुआ 36 क्वेश्चन में, अकोमुलेशन ऑफ विच केमिकल लीड्स टू किडनी स्टोन्स, 36 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, कैल्शियम ऑक्सालेट, कैल्शियम ऑक्सालेट सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सोडियम मेटल इज कैप्ट अंडर, सोडियम मेटल इज कैप्ट अंडर नाइट्रोजन, सॉरी माफ कीजिएगा, सोडियम मेटल इज कैप्ट अंडर कैरोसिन, बी ऑप्शन इज कैरोसिन। देन हमारे पास 38 क्वेश्चन, गैस यूजली फील्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब इज, दैट इज नाइट्रोजन, डी ऑप्शन नाइट्रोजन। यूजली इट इज एन आर्गन, जो गैस फील्ड होती है इलेक्ट्रिक बल्ब में वो कौन सी होती है, ऑर्गन, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दी हुई है, सो इसलिए हम डी को टिक करेंगे, नाइट्रोजन वाला, ठीक है। सो गैस जो यूजली फील्ड होती है इलेक्ट्रिक बल्ब में उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गन। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सली, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, सो वो है हमारे पास ओ नेगेटिव। वट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का केमिकल नेम कौन सा होता है, वो होता है अल्फा टोकोफिरोल, अल्फा टोकोफिरोल हमें दिया हुआ है ए ऑप्शन में। नेक्स्ट है हमारे पास 41 क्वेश्चन, कबड्डी इज नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ विच कंट्री, कबड्डी जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो है बांग्लादेश का, 41 का सी आंसर है करेक्ट आंसर, बांग्लादेश। नेक्स्ट हमें दिया हुआ 42, विच कंट्री फर्स्ट टाइम क्वालिफाइड फॉर वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, दैट इज थाईलैंड, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा थाईलैंड। नेक्स्ट दिया हुआ है, हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ खेल रत्न, 43 क्वेश्चन में दिया हुआ है, हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ खेल रत्न, दैट इज विश्वनाथन आनंद, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 44 क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हेन डिड इंडिया लास्ट विन हॉकी वर्ल्ड कप, सो इंडिया लास्ट कप जीती थी हॉकी वर्ल्ड कप, जीती थी 1975 में। बी ऑप्शन दिया हुआ है 1975, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, वो था वर्ल्ड कप 1975 में वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने हॉकी वर्ल्ड कप। देन हमें 45 क्वेश्चन दिया हुआ है, फवाद मिर्जा वोन अर्जुन अवार्ड 2019 इन विच स्पोर्ट्स, कौन से स्पोर्ट्स में जीता था उन्होंने अर्जुन अवार्ड, वो जीता था ए ऑप्शन में एक्वेस्ट्रियन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ओलंपिक गेम्स 2024 हैज़ बीन अवार्डेड टू विच सिटी, इसका करेक्ट आंसर है पेरिस, डी ऑप्शन। 47 क्वेश्चन है हमारे पास, NB सूबेदार नीरज चोपड़ा, माफ कीजिएगा, NB सब नीरज चोपड़ा हैज ब्राउट लोरल्स इन विच स्पोर्ट्स, इसका करेक्ट आंसर है जेवलिन। नेक्स्ट हमारे पास 48 क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन फीफा फेयर प्ले अवार्ड ड्यूरिंग फीफा वर्ल्ड कप 2018, इसका करेक्ट आंसर है स्पेन, ए ऑप्शन। हु इज द हाईएस्ट गोल स्कोरर ऑफ फॉर इंडिया इन फुटबॉल,
49 क्वेश्चनों में दिया हुआ है, हु इज़ द हाईएस्ट गोल स्कोरर फॉर इंडिया इन फुटबॉल, दैट इज सुनील छेत्री। डी ऑप्शन दिया सुनील छेत्री, उन्होंने किए अब तक 74 गोल्स। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का 50 क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, दीपा मलिक। जो दीपा मलिक थे वो थी पैरा थ्रेड टू वोन द अवार्ड। तो ये थे हमारी आज की वीडियो 50 क्वेश्चन के संग्रह। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमारे टोटल क्वेश्चन है ये देख लेते हैं, हमारे 150 क्वेश्चन है, इसे हम तीन वीडियोस में डिवाइड करेंगे। ये हमारी पहली वीडियो पार्ट वन है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत।